25,000 रुपए के इनामिया शराब तस्कर गिरोह के सरगना को पुलिस ने दबोचा। सोनभद्र क्राइम ब्रांच व हाथी नाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। SOG सर्विलांस व हाथी नाला पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया शराब तस्कर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। आरोपी के पास से एक फीटा कार, एक मोबाइल व 7,500 रुपए बरामद किया गया। आरोपी शराब तस्कर गिरोह के जेल में बंद आरोपियों को छुड़ाने आया था और झारखंड जा रहा था, तभी पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे दबोच लिया। बता दें कि जनपद में विगत कई माह से अवैध मादक पदार्थ शराब तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्व में जनपद के विभिन्न थानों पर कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किए जा रहे थे, जिसमें वाहन चालक की गिरफ्तारी हुई थी। शराब तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना हाथीनाला व बबनी थाने मुकदमा दर्ज किया गया था। इस आरोपी के ऊपर सोनभद्र पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वही आरोपी के गिरफ्तारी के लिए SOG सर्विलांस व हाथीनाला पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन SP-0 यशवीर सिंह द्वारा कर जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। संयुक्त टीम को मुखबिर सूचना मिली कि शराब तस्कर गिरोह के सरगना संदीप उर्फ विक्रांत उर्फ प्रदीप पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम झोजू कला जनपद चरकी दादरी राज्य हरियाणा जेल में बंद अपने गिरोह की सदस्यों की जमानत कराने के लिए आया हुआ है और वकील से मिलकर अपनी क्रेटा कार से झारखंड जा रहा है। सूचना पर गठित टीम द्वारा रानीताली तिराहा के पास रोककर मौके पर दबोच लिया गया। SP त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि जब आरोपी से पूछताछ किया गया तब गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि इस व्यापार में सोनू नाम का व्यक्ति भी मेरा साझेदार है। अब तक हम लोगों ने 40 से 45 शराब की गाड़ियों को बिहार भेज चुके हैं, जिसे वहां शिपिंग पुत्र अज्ञात निवासी बिहार व बसंत गुप्ता पुत्र अज्ञात निवासी बिहार को बेचा गया है। थाना बबनी व थाना हाथीनाला पुलिस द्वारा मेरी 5 शराब की गाड़ियां जो बिहार जा रही थी पूर्व में पकड़ लिया गया था, जिसमें जेल में बंद अपने साथियों की जमानत कराने आया हुआ था। SP ने बताया आरोपी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। आज जनपद की सर्विलांस टीम के प्रभारी राजेश सिंह और हाथीनाला के SHO चंद्रभान, इनकी संयुक्त टीम ने मिल करके एक 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया है, जो शराब तस्करी गैंग का सरगना है। इसका नाम है प्रदीप उर्फ संदीप उर्फ विक्रांत। ये रहने वाला झोजू कला, ग्राम झोजू कला, थाना झोजू कला, ये जनपद सरखी दादरी और हरियाणा का रहने वाला है। अभी तक आप देखते होंगे कि जनपद से जो भी अंग्रेजी शराब ट्रकों में बहुत सारी ट्रकें बरामद हुई हैं अंग्रेजी शराब की, जो हरियाणा और पंजाब से चल करके बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जाया करती थी, उसका एक मास्टरमाइंड है, उसका मेजर सप्लायर यही है। ये और सोनू इसका मित्र है, यही दोनों लोगों ने मिल करके ये कार्य किया करते थे। जनपद पुलिस ने इन पे 25,000 का इनाम रखा हुआ था और इनकी बेसब्री से तलाश की जा रही थी। इसकी गिरफ्तारी में हमारी टीम को सफलता मिली है और इन्होंने इनके पास से एक हरियाणा के नंबर के हुंडई क्रेटा कार, 7,500 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन, ये इनसे प्राप्त हुआ है। इनसे पूछताछ से जो बरामद हुआ है, इनसे पूछताछ से जो बातें सामने आई है वो ये है कि ये लोग पैसे जो ट्रांसफ़र करते थे इनको, ये सब हवाला के माध्यम से लेन देन करते थे और व्हाट्सएप कॉल से बात करते थे, इसीलिए इनके कॉल ट्रैक नहीं हो पा रहे थे और पुलिस को सफलता मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इनका नेटवर्क ध्वस्त नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास के बाद इनको ट्रैक किया है, इनको इनकी गिरफ्तारी की है और इनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया। अभी तक कितनी गाड़ियाँ इन्होंने बेचा है? अभी तक ये 50 से अधिक गाड़ियाँ इन्होंने सप्लाई किया है और जिसमें से मेरा ख्याल है 20 से अधिक गाड़ियाँ हमारे जनपद में पकड़ी गई। इसमें और भी कोई लोग शामिल है क्या? इसमें इनका मित्र सोनू है, जिसकी गिरफ्तारी अभी बकाया है। 2 लोग बिहार राज्य के हैं जो रिसीविंग इन पे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी अभी बकाया है।